हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार, मैं हूँ आपका एनिमेशन मेंटो। गाइस इससे पहले लेक्चर में गाइस हमने इस पे वर्क किया था, इस वाले पर। ओके, और गाइस आज हम वर्क करने वाले स्टेयर के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्रेक सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट दबाकर डिस्क भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ पी। पी करने से क्या होगा गाइस, ये जॉइंट हो जाएंगे। ओके, तो मैं पी कर दूंगा। जैसे मैं पी करता हूँ तो गाइज ये जॉइंट हो जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो सिंगल है और मैं इस पर डिस्क पर क्लिक करूंगा तो ये जॉइंट हो जाएगा। और इसी प्रकार से गाइज मैं यहाँ पे भी वर्क करूंगा और टूल चेंज कर लेता हूँ एक बार। और रिम, ओके, और टैर, और इनको भी गाइज मैं पी कर दूंगा तो ये जॉइंट हो जाएगा। अब मैं जैसे मैं टैर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे होंगे ये इससे सेलेक्टेड हो गया। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको और शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करता हूँ और गाइस यहाँ से करता हूँ इसको कंट्रोल जी, जिससे कि ये ग्रुप हो जाए। ओके, कंट्रोल जी, तो ये ग्रुप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रुप होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मॉडिफाई के अंदर आता हूँ और यहाँ से इसको सेंटर पॉइंट कर दूंगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। सेंटर गाइज में बीचों बीच लाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टूल चेंज करूंगा और डी दबाऊंगा इंसर्ट की के लिए। ओके, और इस सेंटर पॉइंट को वी दबा के यहाँ पे ले आऊंगा। तो ओके गाइज इतना हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और थोड़ा सा आपको इसे रोटेट करके दिखा देता हूँ। ओके, देखो रोटेट में तो आपका टायर बराबर से इसके साथ मूवमेंट कर रहा है। ओके, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब इसको यहाँ से टायर को भी घुमा के दिखाता हूँ आपको। ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, हमेशा कभी भी हमारा टायर घूमता है तो गई हमारा डिस्क तो ही घूमता है, पर ब्रेक कभी ऐसे नहीं घूमता। जैसे भी ये घूम रहा है ऐसे कभी ब्रेक नहीं घूमता। ठीक है, तो मैं इसको अंडू करता हूँ और इसको अंडू करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ सबसे पहले गई, मैं इस ग्रुप का नाम चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका नाम कर देता हूँ व्हील, VHEEL टू। ओके, और कर देता हूँ एंटर। ठीक है, ये होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ व्हील पर। और व्हील पे क्लिक करने बाद गई अब मैं आता हूँ डिस्क के नीचे, ये अपना डिस्क है। इस डिस्क को उठाकर मैं गई यहाँ पे ब्रेक, ये टायर देख रहा हूँ ट्रिक के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दूंगा माउस के मिडिल क्लिक से मैं कर रहा हूँ। और ये ब्रेक को उठा के गई मैं क्या करूँगा, व्हील टू पर डाल दूंगा। इस ब्रेक को मैं उठाऊंगा यहाँ से व्हील टू के ऊपर ऐसे डाल दूंगा। ओके, अभी मेरा काम हो गया जितना मेरे को करना था। अब मैं इसको रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज अब आप देख रहे होंगे कि आपका रोटेट हो रहा है पर ब्रेक तो बराबर से एक जगह ही स्थिर है। ओके गाइज, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। मैंने अंडू किया था तो इसको थोड़ा ऊपर घेर देता हूँ। तो गाइज इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये टू है, इसके पीछे ग्रुप भी लगा देता हूँ गाइस। तो ग्रुप लगाने से थोड़ा ये हमको बराबर से दिखाई देता रहेगा। ओके, GROUP ग्रुप एंटर। और अब मैं इसको उठाकर ग्रुप व्हील ग्रुप को, और ये व्हील देख रहे हो ना आप, इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा माउस के मिडिल क्लिक से ऐसे इसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। तो अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा इसके साथ में ये भी सेलेक्ट होगा। ओके गाइज, तो गाइज इतना होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट, क्योंकि मेरे को जो हमारा बैक हिस्सा है इसका भी टायर बनाना है। तो गाइज मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, तो कैसे करूँगा, एडिट, एडिट के अंदर जाऊँगा डुप्लीकेट। ओके, तो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूंगा और इसको टूल सेलेक्ट करूंगा, साइड के अंदर आऊंगा, चारों विंडो पैनल, और इसको लेकर यहाँ से ऐसे लेकर आ जाऊंगा गाइज। परस्पेक्टिव, और हम इसको देख लेंगे अच्छे से। ओके, अब इसको सेलेक्ट करते हुए और इसको सेलेक्ट रखते हुए टायर को, और इस टायर को शिफ्ट दबाकर स्नेप गेन पॉइंट। ओके, ठीक है गाइज,
तो गाइस अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, और थोड़ा सा वर्क हमको यहाँ पे करना होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, माउस का राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टिक्स, उनको सेलेक्ट करेंगे ऐसे का यहाँ से, ओके, थोड़ा इसको भी ठीक है, देखने में ठीक लग रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको अंदर कर देंगे, थोड़ा बाहर दिख रहा है, इसको भी सॉरी गई, और मैं साइड में आता हूँ। अब गई आप देख रहे होंगे, आपके देखो टायर का लेवल बिल्कुल बराबर से आ चुका है, मैचिंग भी बराबर से हो गई है। ओके, तो मैं इसको भी आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ। ओके गाइज, और नेक्स्ट लेक्चर में गए जो हम जानेंगे इससे आगे के बारे में जान लेंगे। ओके, नमस्कार दोस्तों।